बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन और कजाकिस्तान के गायक कबतूरोसी एक बार फिर से चर्चा में है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस में एमसी स्टैन और अब्दू अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों शिव ठाकरे, साजिद खान, सुम्बुल तोकर और निमृत कौर और अहलुवालिया के साथ मंडली का हिस्सा थे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद से अब्दू रोसिक और एमसी स्टैन अपने झगड़े को लेकर सुर्खियों में थे। अब्दू की टीम ने एक बयान जारी कर एमसी स्टैन और उनकी टीम पर दुर्व्यवहार करने, गाली देने और उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब ऐसा लगता है एमसी स्टैन और अब्दू रोसिक ने सभी मतभेदों को सुलझा लिया है और अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब्दू रोसिक और एमसी स्टैन के पैचअप की खबरों ने दोनों के फैंस को खुश कर दिया। अब्दू द्वारा एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद ये सुर्खियां बटोरने लगी हैं। दरअसल एमसी स्टैन ईद मनाने के लिए दुबई गए थे, वह सनी लियोनी के साथ यूएई में भी परफॉर्म कर रहे थे। अब्दू रोसिक ने एमसी स्टैन के इसी संगीत कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया। अब्दू ने इवेंट स्थल से सुबह 4:30 बजे लाइव वीडियो शेयर किया था। प्रशंसकों ने उन्हें और एमसी स्टैन को लाइव सेशन में एक साथ देखा। हालांकि एमसी स्टैन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब्दू ने अपने लाइव सेशन में स्टैन की परफॉर्मेंस का भी वीडियो शेयर किया। अब्दू की स्टोरी देखकर सभी प्रशंसक सोच रहे हैं कि क्या दोनों के बीच का झगड़ा शांत हो गया है या दोनों की कोल्ड वॉर अभी भी जारी है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।